हिंसा के बीच हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जानकारी दी है कि 4 जिलों में स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम में स्कूल बंद रखने का फैसला अभी आगे और भी रखा गया है, यानी कि जो हालात बने हुए हैं उसको ध्यान में रखते हुए एहतियातन के तौर पर फैसला लिया गया है हरियाणा सरकार की तरफ से कि स्कूल जो है वो बंद रहेंगे आने वाले दिनों में, यानी कि 4 जिलों में स्कूल अभी भी बंद रहेंगे। और इसकी जानकारी शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी है और बताया है कि 4 जिलों में, जिनमें से नूह है, फरीदाबाद है, पलवल है और गुरुग्राम है, इन जिलों में देखिए स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि फिलहाल स्थिति कंट्रोल में है, निगरानी रखी जा रही है, लेकिन एहतियातन के तौर पर देखिए स्कूल बंद रखने का फैसला रखा गया है, यानी कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है स्कूल अभी भी बंद रहेंगे, ये कहा गया। यानी कि एक बार फिर से जब हालात जो है पटरी पर लौट आएंगे जिसके बाद स्कूल खोला जाएगा, लेकिन उससे पहले नूह, फरीदाबाद, पलवल और साथ ही साथ गुरुग्राम में स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है। रवि चंदेल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रवि, देखिए जो स्थिति लगातार बनी हुई है नूह में, फरीदाबाद में, पलवल में, साथ ही साथ गुरुग्राम में, इसके मद्देनजर सरकार का एक और बड़ा फैसला, स्कूल बंद रखने का फैसला किया गया है। देखिए, जाहिर तौर पर जिस तरीके से नूह के अंदर जो हिंसा भड़की थी उसकी आग जो थी वो साथ लगते जिलों में भी देखने को मिली, जिसके बाद जो है वो सरकार द्वारा एहतियातन तौर पर जो है वो नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, इन जिलों में जो है वो खासतौर पर 4 जिलों पर जो है वो स्कूलों को बंद रखने का जो है वो फैसला लिया गया है। सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि जैसे जैसे हिदायतें जो है वो आएंगी कि हालात जो है वो पूरे तरीके से जो है वो सामान्य हो चुके हैं, उसके बाद जो है वो स्कूलों को ओपन कर दिया जाएगा। हालांकि उनकी तरफ से साफ ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि हालात जो हैं वो अभी बिगड़े हुए हैं या फिर हालात जो हैं वो सामान्य नहीं हैं, अभी भी हालात जो हैं वो सामान्य हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद एहतियातन तौर पर जो है वो खास तौर पर पलवल का जिक्र करें, फरीदाबाद का जिक्र करें, गुरुग्राम का जिक्र करें, इन 3 जिलों में एहतियातन तौर पर जो है वो स्कूलों को बंद रखा गया है। तो वहीं नूह का यदि हम जिक्र करें तो नूह के अंदर जो है वो मौजूदा हालात जो हैं वो सामान्य होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन सामान्य जो है वो हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो स्कूलों को नहीं खोला गया। तो खासतौर पर उनका ये साफ तौर पर कहना है कि इसके अलावा जो अन्य ज़िले हैं, चाहे हम सोनीपत का जिक्र कर लें, पानीपत का जिक्र कर लें, झज्जर का जिक्र कर लें, इन तमाम जिलों के अंदर जो है वो वहाँ के जिला उपायुक्तों को जो है वो निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अनुसार अपने जिले के असेसमेंट करने के बाद जो है वो फैसला ले सकते हैं कि वो वहाँ पर के स्कूल जो है वो ओपन करें या फिर ना करें। तो उसके आधार पर जो है वो जिला उपायुक्तों को जो है वो निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि वो अपने असेसमेंट के आधार पर जो है वो अपने अपने जिलों के अंदर जो है वो स्कूलों को ओपन करें। लेकिन फिलहाल की स्थिति के अंदर नूह, फरीदाबाद, पलवल, गुरुग्राम, इन 4 जिलों के अंदर जो है वो स्कूलों को पूरे तरीके से जो है बंद किया गया है। जी बिल्कुल, इसके अलावा देखिए बाकी जिलों की भी बात हम करें तो वहां पर भी छिटपुट जो है घटनाएं देखने को मिली है, क्या उन जिलों में भी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है? देखिए, फिलहाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ 4 जिलों के अंदर जो है वो स्कूलों को बंद रखने का फैसला जो है वो लिया गया है, और वो 4 जिले हैं नूह, फरीदाबाद, पलवल और गुरुग्राम। इसके अलावा यदि किसी अन्य जिले के अंदर जो है वो स्कूलों को बंद रखने की हिदायतें यदि कोई जारी करेंगे तो हिदायतें जो है वो वहाँ के जिला उपायुक्त जो है वो जारी करेंगे। इसके अलावा यदि हम जिक्र करें जिस तरीके से आपने भी बताया कि बाकी अन्य जिलों में भी जो है वो छिटपुट घटनाएँ जो है वो हुई हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर यदि वहाँ पर जो है वो छिटपुट घटनाएँ जो है वो हुई हैं तो उसके उस घटनाओं के आधार पर जो अंतिम फैसला है वो अंतिम फैसला जो है वो जिला उपायुक्त लेंगे, और वो ये सुनिश्चित करेंगे कि जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं उन बच्चों की पूरे तरीके से सुरक्षा जो है वो उन बच्चों को दी जाए। और इस बात को लेकर जो है वो खुद सूबे के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से कहा गया है कि जिला उपायुक्तों को फ्री हैंड दिए गए हैं, वो अपनी असेसमेंट के आधार पर जो है वो स्कूलों को बंद रख सकते हैं। जी ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन